महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा समुद्रवसने देवी पर्वततनमण्डले विष्णुर्पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे सुन रहे हैं सतरंगी सफर आरजे विनोद के साथ। श्रोताओं लीजिए आ गई वो घड़ी जिसका रहता है आपको हमेशा से इंतजार। दिन बुधवार के शाम वक्त हो चला है 8 बजे का। शुरू होता है आपका अपना इंद्रधनुषीय कार्यक्रम सतरंगी सफर। कीजिए स्वीकार नमस्कार आरजे विनोद का। श्रोताओं आप सभी हाल ही में हुई दुखद घटना से भली भांति परिचित होंगे। हमारे भारत के BCCI यानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया साहब पंचतत्व को विलीन हो गए। 30 मई 1940 को जन्मे जगमोहन डालमिया साहब ने 20 सितंबर 2015 को हमारे और आपके बीच से अलविदा ले ली। दोस्तों आपको याद हो 1996 का वह वर्ष जब होस्ट हुआ था वर्ल्ड कप इंडिया में, जिसके पीछे अगर पूरा श्रेय जाता है तो वह जाता है जगमोहन डालमिया साहब को और BCCI को। अमीरियत की जो पहचान उन्होंने दी है, या यूं कहें कि BCCI को इकोनॉमिकल और फाइनेंशियली अगर किसी ने स्ट्रांग बनाया है और इस बोर्ड को बड़ा बनाया है और बड़ा कहलाया है, तो उसका भी पूर्णतया श्रेय जगमोहन डालमिया साहब को जाता है। भारतीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्रिकेट को एक पहचान अगर दी है तो वो दी है जगमोहन डालमिया साहब ने। श्रोताओं बताते हैं कि 17 सितंबर की शाम उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई और उन्हें कोलकाता के बीएन बिड़ला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग और अंग के काम न करने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। दोस्तों यह क्षति जो हमारे राष्ट्र के लिए है, हमारे देश के लिए है, या यूं कहें पूरे विश्व के लिए है, निश्चित रूप से भुलाए जाने वाली नहीं है। हम और आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें जगमोहन डालमिया साहब की आत्मा की शांति के लिए। ईश्वर उनके परिवार को इस शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। श्रोताओं जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आजकल चल रही है धूमधाम गणेश उत्सव की। गणेश उत्सव मनाया जाता है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। हम महाराष्ट्र राज्य के निवासी जन को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं इस गणेश उत्सव की और निवेदन करते हैं कि बहुत ही श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ बिना किसी भेदभाव के मनाएं इस उत्सव को और आनंद लें, आनंदित करें औरों को भी आनंद पूर्वक इस उत्सव को मनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए जाएं तो पर्यावरण का रखें विशेष ध्यान। ऐसी मूर्तियां पानी में विसर्जित ना करें जिससे पर्यावरण दूषित होता हो। अगर पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा, हमारे वातावरण में प्रदूषण नहीं रहेगा, तो हम और आप स्वस्थ रहेंगे और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम और आप मजबूत होंगे। हम पुनः आप सभी को, महाराष्ट्र निवासी जन को, गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और गणेश जी से कामना करते हैं कि वे
हमारे देश भारत में शांति प्रदान करें, विश्व में शांति लाएं और हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अब इस प्रोग्राम में आगे और बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जिसे आप गीतकार, कहानीकार, डायलॉग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर कह सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं माखन सिंह कालरा और सुजान कौर के सुपुत्र संपूर्ण सिंह कालरा की, जिन्हें हम और आप गुलजार साहब के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 18 अगस्त 1936 को दीना के एक झेलम इलाके में हुआ, जो बंटवारे के बाद अब भारत में नहीं है। हमारे गुलजार साहब ने एक कार मैकेनिक के रूप में दिल्ली भारत से अपने जीवन का आरंभ किया और इनको फिल्म जगत में पहचान दी, फिल्म जगत की हस्ती विमल रॉय जी ने। और कैसे कार मैकेनिक से एक महान गीतकार और संगीतकार बन गए हमारे गुलजार साहब, आइए हम जानते हैं उनके इस संपूर्ण परिचय में। अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी तो टूटी है कच्चे मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं। अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर, या फिर कहें आप इन्हें कहानीकार और फिल्म डायरेक्टर, ये हैं संपूर्ण सिंह कालरा, यानी कि हमारे गुलजार साहब। जन्म 18 अगस्त सन 1936 में हुआ। पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर। दीना के झेलम इलाके में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। इनका पुश्तैनी घर दीना के झेलम इलाके में है, जिसे ये बंटवारे के बाद छोड़ आए। ये बात बहुत हैरान कर देती है कि संपूर्ण सिंह से गुलजार बनने के सफर में ये दिल्ली के अंदर बतौर कार मैकेनिक काम किया करते थे, और कई बार इनके पिता इनसे कहा करते थे, अरे बेटा तू लेखक बनना चाहता है लेकिन इसमें कुछ कमाई नहीं है, इसलिए बेहतर यही है तू अपने बड़े भाइयों से बना के रखियो, और जहाँ कला पूरे उफान पर हो तब कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो आपका पारखी बनता है। और गुलजार साहब के हुनर को पहचाना लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय ने। किस्सा यूं मशहूर है कि गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा। इस बीच इनकी दोस्ती और भी लेखक और कलाकारों से हुई, और ऐसे में एक दोस्त इन्हें ले गया बिमल रॉय के पास, जहां म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन और गीतकार शैलेंद्र के बीच झगड़ा हो चुका था और फिल्म मेकर बिमल रॉय बहुत परेशान थे। ये फिल्म थी बंदनी। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि गुलजार एसडी बर्मन की धुनों पर गाने लिखें, और इन्होंने अपना पहला गाना लिखा भी, मोरा गोरा अंग लैले। बंदनी फिल्म का ये गाना बहुत पसंद भी किया गया, पर इसी बीच एसडी बर्मन और शैलेंद्र की दोस्ती फिर से हो गई और गुलजार साहब फिल्म से बाहर हो गए। पर बिमल रॉय ने गुलजार का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, गुलजार तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कलाकार किसी शोर मचाती हुई गैराज में काम करे। तुम्हारे अंदर हुनर है और ये तुम अपने पहले ही गाने से साबित कर चुके हो। ये सुनते ही गुलजार साहब फपक फपक के रो पड़े थे। बिमल रॉय के साथ काम करते हुए गुलजार साहब की दोस्ती आरडी बर्मन से हुई, आरडी बर्मन यानी कि पंचम दास से हुई, और इसी बीच इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी का सानिध्य भी मिला। ऋषिकेश मुखर्जी उस दौर में बतौर एडिटर काम किया करते थे और बाद में डायरेक्टर बन गए, और गुलजार साहब इनके साथ ही रहे। ये छोटी छोटी बातें है ना, इन छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तेरे घर में ड्राइवर है तो भी है, आज तक तूने कभी उन्हें नाम से बुलाया? एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के देखो, ठीक जाएगा रे, गुलाम हो जाएगा तेरा। इतना ही काफी है कि उसके मालिक ने उसे नाम से बुलाया, वो अपने नाम से पहचाना क्या? यार तुम तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला,
These are the tricks of the trade, beta. रिशिदा ने गुलजार साहब को बतौर लिरिसिस्ट ही यूज नहीं किया बल्कि बतौर डायलॉग राइटर भी इस्तेमाल किया। फिल्म आनंद और नमक हराम में गुलजार साहब ने ऐसे उम्दा डायलॉग्स लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना? हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल। जी हाँ, वही करीम। क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता, उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है 2 महीने और लग जाए करीम को वापस लौटते हुए अस्पताल से। मैं क्या करूँ? सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5,000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए। रुपया पेड़ों पर नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा। और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी, कि एक कट जाए तो दूसरा लग जाए। और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है। गुलजार एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हर पीढ़ी से अपना नाता जोड़ा है, चाहे वो उनका मोगली वाला गाना हो जिसमें जिक्र आता है कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, या फिर अजीम शायर मिर्जा गालिब के ऊपर बनाया हुआ टेलीविजन सीरियल। इन दोनों ही रूपों में गुलजार साहब की कला आम इंसान से नाता जोड़ गई। बतौर गीतकार गुलजार साहब ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो SD बर्मन रहे हों या फिर सरल चौधरी, RD बर्मन हों या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बदलते वक्त में आते हुए संगीतकार AR रहमान, विशाल भारद्वाज या शंकर एहसान लॉय, सभी के साथ गुलजार साहब का काम बहुत सराहा गया। एक नौजवान का शुक्रिया अदा करना बड़ा जरूरी है मेरे लिए, जिसका नाम विशाल है। विशाल ने मेरे गानों को जवान रहने में बड़ी मदद की है। पर RD बर्मन के साथ इनकी दोस्ती बहुत जबरदस्त रही, और यही वजह रही कि जब गुलजार साहब फिल्म मेकर बने और फिल्म्स डायरेक्ट करनी शुरू की तो सभी फिल्मों में तकरीबन RD बर्मन का ही संगीत रहा, चाहे वो परिचय रही हो, आंधी रही हो या फिर किनारा। पर बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में गुलजार साहब ने सलिल चौधरी का संगीत लिया था, और फिल्म मौसम में मदन मोहन साहब का। गुलजार साहब की दोस्ती संजीव कुमार साहब के साथ भी खूब रही। ये किस्सा भी मशहूर है कि संजीव कुमार साहब के घर पे सिर्फ शाकाहारी खाना बनता था, और मांसाहारी खाना खाने के लिए वो गुलजार साहब के घर जाया करते थे। गुलजार और संजीव कुमार की जोड़ी इतनी बेहतरीन थी कि हर फिल्म के अंदर इन्होंने कमाल किया, चाहे वो मियां बीवी के रिश्ते पर बनी फिल्म आंधी रही हो, या हस्ती गुदगुदाती फिल्म अंगूर, या फिर गूंगे और बहरे पति पत्नी की कहानी कोशिश। अगर हम गुलजार साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो गुलजार साहब की शादी हुई मशहूर व मारूफ अभिनेत्री राखी से। इस शादी से इन्हें एक बेटी है जिसका नाम है मेघना गुलजार, जो खुद फिल्मों में डायरेक्टर हैं। गुलजार साहब और राखी जी का रिश्ता बहुत दिन नहीं चल सका, और इन दोनों ने ये फैसला लिया कि ये अब अलग हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। गुलजार साहब ने अपनी बेटी मेघना का नाम बोस्की रखा है, और अपने बंगले का नाम बोस्कियाना, जिसके माने हैं जहाँ बोस्की रहती है। मुंबई के पाले हिल इलाके में गुलजार साहब का बंगलो है। भारतीय सिनेमा में बहुत कम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर कलर दौर तक अपना दबदबा बनाए रखा है, और उनमें से गुलजार साहब एक हैं जिन्होंने बिमल रॉय को काम करते देखा है, नए फिल्म मेकर्स जैसे शाद अली और विशाल भारद्वाज के साथ भी काम किया है। गुलजार साहब के हर फन ने सभी का दिल जीता है, चाहे वो छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा, या फिर मन का असीम पर्दा। हर पर्दे पर इनकी दास्तां लोगों के दिलों में घर कर गई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुलजार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तू
तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छांव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर आरजे विनोद के साथ। श्रोताओं, आइए हम और आप बढ़ते हैं इस सफर में आगे और बात करते हैं एक ऐसे महान कवि की जिन्होंने जन्म लिया था 6 फरवरी 1915 को बड़नगर शहर, मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बाद में इन्होंने शिक्षक का पद भी सुशोभित किया और अपने काव्य से लोगों को इस कदर मुग्ध किया, प्रभावित किया कि उन्हें बॉम्बे बुला लिया गया और उस समय के फिल्म डायरेक्टर रहे हिमांशु राय ने अपनी फिल्म कंगन में 1939 में उन्हें एक पहचान दी। और हम और आप कैसे भूल सकते हैं जागृति के वे गीत जो इस महान कवि द्वारा रचित थे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। हम कैसे भूल सकते हैं वह गीत, उनकी वह रचना
जिसने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे, वह गीत था ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को गाना था आशा भोसले जी ने, लेकिन गाया लता मंगेशकर जी ने, और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज में इस प्रभाव के साथ इस गीत का गायन किया कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं रुक पाए। निश्चित रूप से दोस्तों, हमारे सैनिक जो हमारे प्रहरी हैं, रात दिन बिना किसी मौसम, दिन रात आंधी तूफान की चिंता किए बगैर हमारी रक्षा के लिए तटस्थता के साथ सीमा पे डटे रहते हैं, उनको भी इस गीत ने प्रभावित किया, और इस गीत की एक पंक्ति ने उन्हें ज्यादा प्रभावित किया, जो कि लता जी ने लास्ट में गाया और कवि ने लिखा जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना से बहुत ही प्रभावित हुए थे हमारे सैनिक। जी हाँ, अब मैं आपको और ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। इनका असली नाम था रामचंद्र राम नारायण जी द्विवेदी, जिन्हें हम आज कविराज प्रदीप के रूप में जानते हैं, जिन्हें 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो कि फिल्म जगत का एक सर्वोच्च सम्मान है। इन्होंने 11 दिसंबर सन 1998 में हमारे और आपके बीच से अलविदा कह दिया था, पंचतत्व को विलीन हो गए थे। आइए बिना देरी किए हम आपसे इस कविराज प्रदीप जी का परिचय कराते हैं। उज्जैन जिले में एक छोटा सा कस्बा है बड़नगर, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मंदिरों की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश के रतलाम और इंदौर शहरों के बीच मीटर गेज लाइन पर स्थित है एक तहसील बड़नगर। इन्हीं तीन जगहों में मेरा बचपन परवान चढ़ा। मालवा के पठार पर स्थित इस तहसील की मिट्टी में कुछ खास कशिश है। इसी मिट्टी ने मुझे जो संस्कार दिए, आत्मविश्वास का जो पाठ पढ़ाया, उसी से बना एक मुखर कवि जो आगे जाकर एक फिल्मी गीतकार और गायक बन गया। लोक संगीत और नृत्य के प्रति मेरी रुचि बचपन से ही रही। शायद यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के आदिवासी लोगों के सुरीले भजन मुझे प्रभावित करते रहे। मालवा के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की मोहक धुनें मुझे आकर्षित करती रहीं। मेरे गीतों में मुख्यतः लोक संगीत का स्वाद इसी का परिणाम है। अपनी शिक्षा के आरंभिक काल में मेरे जीवन ने कई मोड़ लिए। बचपन में मिले संस्कारों ने मुझे जीवन के जिस दर्शन से परिचित कराया था, उस पर मैं पूरी जिंदगी अमल करता रहा। मैं जन्मजात विद्रोही हूँ। शहर के माहौल में मेरा दम घुटता था। मैं वापस चल पड़ा फिर उसी माहौल में जो मुझे बेहद पसंद था। इंदौर से बड़नगर 75 किलोमीटर का फासला, रेल की पटरी पर पैदल, अजीब सफर, मगर एक तमन्ना थी अपनी मंजिल तक पहुंचने की। इसी यात्रा का अनुभव मेरे एक गीत में मूर्त रूप लेता है। सच तो यह है कि भोगा हुआ यथार्थ ही मेरे जीवन का फलसफा है। मेरी उच्च शिक्षा गंगा और यमुना के संगम पर बसे शहर इलाहाबाद और फिर लखनऊ में हुई। मेरे कवि जीवन का प्रारंभ इलाहाबाद से हुआ। मैं ये छायावादी लोग जो लिखते थे, जैसे पंत जी हैं, महादेवी जी हैं, निराला जी हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, या इस तरह के जो लोग थे, उनकी चीज़ों को मैं पढ़ा करता था। और पहला हमने गीत लिखा, द्रुम द्रुम गूंज उठी शहनाई। मेरा सृजन मन तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ और मैं उसे अपने से अलग नहीं कर पाया। गुलामी के दिनों में मेरे मन में भी देशभक्ति की ज्वाला जलने लगी।
और अंतर्मन की व्यथा शब्दों के सहारे आकार लेने लगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी मेरी रचनाओं में मुखरित होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक परिणामों को देखकर मैंने लिखा था, हरिद्वार में प्रणव मंदिर के उद्घाटन समारोह में मेरी मुलाकात स्वामी नित्यानंद महाराज से हुई। अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ उन्होंने मेरी भी रचना सुनने की इच्छा व्यक्त की। आपकी कोई रचना सुनाई? स्वामी नित्यानंद महाराज मेरी रचना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है? शिक्षक बनने का। फिर स्वामी जी कुछ क्षण के लिए ध्यानमग्न हो गए, जैसे अदृश्य में कुछ पढ़ रहे हों। तुम्हारा भाग्य उदय तो पश्चिम दिशा में होने वाला है और वो भी 2 महीने में। स्वामी नित्यानंद महाराज की भविष्यवाणी इसी समारोह से जैसे फलीभूत होने लगी। 6 अगस्त 1939 इस दिन ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। बंबई के फिल्म जगत में यानी बॉम्बे टॉकीज में मेरा प्रवेश हुआ। सब लोग मुग्ध हो गए तो हिमांशु राय ने कह दिया उनसे जो लाने वाले हैं कि पठाओ, मतलब उसको इनका लेटर ले आए मिस्टर रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप हैज बीन अपॉइंटेड एज लिरिक राइटर इन अवर कंसर्न ऑन द मंथली पे सैलरी ऑफ 200 रुपीज। 1939, 200 रुपीज, ये क्या चमत्कार हो गया। सन 1943 देश स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक दौर से गुजर रहा था। फिल्म से ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली प्रचार माध्यम ना तब था और ना ही आज है। किस्मत फिल्म के मेरे गीत ने पूरे देश में धूम मचा कर रखती थी। कलकत्ता के रॉक्सी सिनेमा में ये फिल्म लगातार 3 साल 8 महीने तक चलती रही। इस फिल्म ने तब सिनेमा के क्षेत्र में न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी गीत की वजह से मुझे कुछ दिन भूमिगत भी रहना पड़ा। सीआईडी वालों ने हमको हैरेस किया था, हम लोगों ने जर्मन जापानी ले करके और इस गाने को बचा लिया। कलम और तलवार की ताकत में यही फर्क है। जहाँ एक तलवार किसी की जान लेकर उसे बेजान कर देती है, वहीं कलम से निकले शब्द करोड़ों लोगों में जोश और जुनून भर सकते हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा बड़े दर्दनाक ढंग से हुआ था। चारों तरफ मार काट मची थी और सारी जनता एक दुखदायी दौर से गुजर रही थी। उस करुण घटना को मैंने बड़ी सरल भाषा में एक फिल्म के लिए लिखा था। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मेरे मन में देशभक्ति की लगन थी। मेरा सपना था धर्म जाति भाषा और संस्कृति के नाम पर विभाजित भारतीय जन को एकता के सूत्र में पिरोना। अंग्रेज शासक फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, तभी मैंने अपनी भावना इस गाने से व्यक्त की। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। मनुष्य की कल्पना और यथार्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि हर कल्पना यथार्थ नहीं होती। देश में प्रार्थना और अजान एक साथ गूंजे, ये मेरी इच्छा थी, पर यथार्थ में कुछ और ही हुआ। इस विद्वेष की पराकाष्ठा और सांप्रदायिक उन्माद की परिणति देश के विभाजन में हुई। राजनीति जीत गई और मानवता हार गई। फिल्मी दुनिया के इतने नजदीक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने तत्वों को अपने विचारों से कभी भी समझौता नहीं किया। स्वयं वे गांधी जी के आदर्शों को काफी ऊंचा मानते थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उन्होंने स्वयं उतारा था। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
मेरे काव्य में सामाजिक परिवेश और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने कभी प्रेम काव्य लिखा ही ना हो। मुझे सर्जन का एक बुखार आता है और वो बुखार तब तक नहीं उतरता जब मेरी चीज तैयार ना हो जाए। तो मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, मैं समुद्र किनारे बैठा हूँ, मैं एकांत में हूँ, मैं अंतरों के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, इसलिए गाने का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ना, ऊपर गगन विशाल में बात क्या है, हे भगवान आपने संसार कमाल का बनाया, यही है ना। लेकिन अंदाज देखिए, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा बादा। अक्टूबर 1962, चीन ने भारत पर आक्रमण किया। निर्माण का सपना देखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भीतर से टूट गए थे। ये अवसर था भारतीय जनमानस में नया जोश जगाने का, उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाने का। इस कार्य को मेरी कलम ने शब्द रूप देकर हर एक भारतीय के हृदय में देश प्रेम की ज्योत प्रज्वलित कर दी। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे बापू का ये गाना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, पर आज मुझे एक आपसे एक बात कहनी है। अभी कुछ दिन पहले मैं पूना गई थी तो हमारे एयरफोर्स के कुछ लोग मुझे मिले थे। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि दीदी, ये गाना जो आपके पिताजी ने हमारे लिए लिखा है, ये जब अपनी वॉर के वक्त बंकरों में बजता था तो ये सुन के हम लोग बहुत रोया करते थे। इस गाने में जो प्रदीप जी ने हमारी कदर की है वो कभी किसी ने नहीं की। जय हिंद तो सभी कहते हैं, पर प्रदीप जी ने लिखा जय हिंद की सेना, ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। 1998 में मुझे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान। मेरे देश ने मेरा सम्मान किया। अब मैं एक आपको ऐसा गीत सुनाता हूँ, कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू पे तोलो। जब फिल्म लाइन ज्वाइन की तब हम लोग गुलाम थे, हमें आजादी मिली नहीं थी। ये 1939 की बात मैं आपको करता हूँ। तो 1939 में तो कंगन मेरा निकला और 1940 के अंदर मैंने एक गाना, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, दूर तेरा गांव और थके पांव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तो ये गाना इतना अधिक पॉपुलर हुआ बच्चों के अंदर कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने इस गाने को गाया। तो ऐसे लोगों की याद आई। तो सब्जेक्ट हमने लिया अपनी अंतर भावना से, अपने अंदर एक दूसरा प्रदीप छिपा हुआ है, उसको मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल करके मैं सामने बिठा देता हूँ कि भाई तू मेरा ही अंश है, मेरे सामने बैठ। अब मैंने एक चीज लिखी है, मैं तुझे सुनाता हूँ।
सच्ची सच्ची बात बोलना मुझे, अगर चीज तुमको अच्छी लगे तो तुम मुंह हिलाना, और अच्छी नहीं लगे तो घोंचू की तरह से बैठे रहना। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको मजा नहीं आया, तो मैं उसको चेंज करने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं स्वयं ही लिखता था, और अपने ही स्वयं जो दूसरा जो प्रदीप है उससे मैं राय लेता था, कैसा लगा तुमको। अगर वो हंसता था तो मैं समझ जाता था कोई बात तो है जरूर। इसी तरह के सब गाने जो हैं मैंने इसी प्रकार से लिखे, चाहे वो है मेरे वतन के लोगों हो या कोई भी हो। मैं किसी से पूछने के लिए नहीं जाता था कि भाई मैंने एक गाना लिखा है सुनो जरा कैसा है। हमको स्वयं ही सर्जन करना पड़ता है और हमको स्वयं ही निर्णय देना पड़ता है अपना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत लिखने वाले कवि राज, कवि प्रदीप की ये कहानी है। जब देश में थी दीवानी। जन्म 6 फरवरी सन 1915 में हुआ, बदनगर शहर उज्जैन नगरी में। नाम रखा गया रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, और बाद में ये अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंच गए। अक्सर कवि सम्मेलनों में कवि प्रदीप की कविताएं सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने सोचा मैं बतौर शिक्षक काम करूंगा। अरे ये कौन है? मैं? ये तो बतौर टीचर काम कर ही रहे थे तभी मुंबई से इन्हें न्योता आया एक कवि सम्मेलन का। ये पहुंचे उस कवि सम्मेलन में, और जब अपनी कविताएं पढ़ी तो सबके ऊपर ऐसा जादू चढ़ा कि इन्हें फिर वापस नहीं जाने दिया गया। सन 1939 की फिल्म कंगन में उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर हिमांशु राय ने इन्हें चांस दिया। इस फिल्म के अंदर देविका रानी और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे। कवि प्रदीप मुंबई आ गए और इस फिल्म के 4 गाने इन्होंने लिखे। सभी गाने पॉपुलर हुए, और फिर सन 1940 में फिल्म बंधन इन्हें मिली। शशाधर मुखर्जी की ये फिल्म थी और ज्ञान मुखर्जी ने इसे डायरेक्ट किया था। तो जावो, एक तरफ ये फिल्मों के गाने लिखते जा रहे थे, दूसरी तरफ इनका देश प्रेम इनसे एक से बढ़कर एक कविताएं लिखवा रहा था। सन 1943 की फिल्म किस्मत का ये गाना कौन भूल सकता है। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आजादी के बाद सब कुछ बदल रहा था, कुछ बेहतरीन फिल्में हमारे सामने आ रही थीं, और तब फिल्में आईं नास्तिक और जागृति। जागृति में कवि प्रदीप ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे, ऐसे गाने जो आपको देश प्रेम से भर देते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। छोटे बच्चे की जुबान पर भी ये गाना था और नौजवान की जुबान पर भी। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाने इतने मशहूर हुए कि लोगों ने बार बार फिल्म जागृति देखी। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कवि प्रदीप के गानों में एक सादगी रही, एक ऐसी सादगी जो आपको जोश से भर देती है, एक ऐसी सादगी जो आपके रोम रोम में जज्बात जगा देती है। दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 60 के दशक तक आते आते फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी वेस्टर्न होती जा रही थी, पर तब भी कवि प्रदीप ने हार नहीं मानी। फिल्म पैगाम के इस गाने ने जबरदस्त जवाब दिया था। सन 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जो लो बजट फिल्म थी, लेकिन अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अगर इसकी तुलना शोले से की जाए तो तकरीबन बराबर ही पहुंचती थी। ये फिल्म रही जय संतोषी माँ, इसके गाने भी कवि प्रदीप ने लिखे। मैं तो आरती उतारू रे।
सन 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान इन्होंने परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटे की कहानी सुनी और उनके बलिदान से ये इतने प्रेरित हुए कि ये गाना लिखा ए मेरे वतन के लोगो। ये गाना पहले आशा भोसले गाने वाली थी पर बाद में लता मंगेशकर ने ये गाना गाया। चूँकि लता जी के पास रिहर्सल का ज्यादा वक्त नहीं था तो लता जी ने ये शर्त रखी थी कि ये गाना मैं तभी गाऊंगी जब कवि प्रदीप भी उस रिहर्सल में मौजूद रहेंगे। इस गाने ने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू भर दिए थे और कवि प्रदीप को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया गया। ए मेरे वतन के लोगो। कवि प्रदीप के पास कई ऐसे प्रस्ताव आए जिससे ये बहुत पैसे कमाते पर इन्होंने कहा कि ये गाना ए मेरे वतन के लोगों हमारे देश का गाना है, इससे जो भी रॉयल्टी इकट्ठी होगी वो वॉर विडोज फंड में जाएगी। कवि प्रदीप को ढेर सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जय संतोषी माँ के लिए BFJA अवार्ड और सन 1997 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। मुंबई में स्थित विले पार्ले के नजदीक इरला इलाके में इनके आखिरी दिन बीते। 11 दिसंबर सन 1998 को वो घड़ी आई जब कवि प्रदीप ये दुनिया छोड़ गए। इनकी उम्र उस वक्त 83 साल थी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा कवि प्रदीप के गीत इनकी कविताएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी और भारतीय इतिहास में कवि प्रदीप का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे
धन्य जवानों अपने थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो हद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा अरे हे शंभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। यहां से 50-50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो मां कहती है बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कितने आदमी थे सरदार? दो। दो आदमी और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। सुअर के बच्चों, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तूने नमक खाया है तो अब मेरी गोली खा। ढीचों ढीचों ढीचों। मर गया साला।
जी हाँ श्रोताओं, आप सभी समझ रहे होंगे कि अब हम बात करने जा रहे हैं फिल्म शोले की, और यह डायलॉग आप निश्चित रूप से पहचान गए होंगे फिल्म शोले के ही हैं, और इस डायलॉग को निभाया था गब्बर सिंह के किरदार ने, और गब्बर सिंह के किरदार को निभाया था महान अभिनेता अमजद खान साहब ने, जो एक महान एक्टर जयंत के बेटे थे, जिन्होंने 12 नवंबर 1940 को पेशावर में जन्म लिया था, और भारत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा संपन्न की थी, और अपने अभिनय से लोगों को ऐसा लोहा मनवाया जो आज भी हम और आप भूले नहीं हैं। मात्र 51 वर्ष की आयु में 1992 में अमजद खान साहब ने हमसे अलविदा ले ली थी। अब हम आपको और इंतजार न कराते हुए इनके परिचय से आपको परिचित कराते हैं। जन्म 12 नवंबर सन 1940, महान एक्टर जयंत के बेटे, मेरा नाम खान है, अमजद खान, जिन्हें हम गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं, जो डर गया समझो मर गया। अमजद खान साहब का जन्म पेशावर में हुआ। इनके वालिद जयंत बहुत ही जबरदस्त अभिनेता रहे। इनके भाई इम्तियाज खान और इनायत खान ने भी एक्टिंग में अपने हाथ आजमाए। अमजद खान साहब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट थेरेसास हाई स्कूल बांद्रा में हुई और आरडी नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन। ये वो कॉलेज रहा जहां पर स्टूडेंट्स काउंसिल के ये जनरल सेक्रेटरी बने। बचपन से ही फिल्म का माहौल इन्होंने देखा था और कॉलेज के दिनों में ये बतौर थिएटर एक्टर काम करने लगे, और सन 1951 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की। फिल्म का नाम था नाजनीन, और जब ये 17 साल के रहे तब सन 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में ये नजर आए। इस फिल्म में ये अपने पिता जयंत के साथ थे। अमजद खान की दिलचस्पी फिल्मों में बढ़ती जा रही थी, और यही वजह रही कि महान फिल्म मेकर मुगले आजम जैसा शाहकार बनाने वाले के आसिफ को इन्होंने असिस्ट किया फिल्म लव एंड गॉड में, पर यह फिल्म अधूरी रह गई। के आसिफ साहब की असमय मौत ने इस फिल्म को अधूरा ही छोड़ दिया। सन 1971 में अमजद खान सोच रहे थे कि अब किस तरह से करियर आगे जाएगा। वो और बात है कि फिल्म लव एंड गॉड सन 1986 में रिलीज हुई, और इसी बीच अमजद खान को फिल्मों में काम मिलता रहा। आपके आदमी आपका ट्रॉलर ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जिन जगहों पर हम आसमान में चीलों को उड़ने की इजाजत नहीं देते। 1973 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में ये नजर आए। तब तक कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये लड़का इतिहास से रचने वाला है। एक ऐसा मोड़ इसकी जिंदगी में आएगा जहां पर एक से बढ़कर एक एक्टर्स इसके सामने होंगे, और यही सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाएगा। मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने अमजद खान को रिकमेंड किया, और फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार इनके हाथ में आया। डेनी डेंजोंगपा पहले गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले थे, पर आखिरी मौके पर उन्होंने मना कर दिया और अमजद खान बने गब्बर सिंह। पर यह सफर अमजद खान के लिए आसान नहीं था। जब शूटिंग शुरू हुई तो सबने कहा कि इसकी आवाज बहुत कमजोर है, किसी और एक्टर से इसे डब करवाने की जरूरत पड़ेगी। सब ये भी कह रहे थे कि कहां संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, और कहां अकेला यह नया लड़का अमजद खान इनका क्या मुकाबला करेगा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि शायद अमजद खान इस फिल्म के अंदर एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले सीन को शूट करने में ही बहुत वक्त लग गया था, और तब एक ताश के पत्ते और तोते ने अमजद खान की हिम्मत बढ़ाई। नजूमी ने पत्ता पढ़ा और कहा कि देखना, जो भी काम तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हारा ही नाम सबसे ज्यादा होगा। अमजद खान की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। शुरुआत में फिल्म शोले अच्छी नहीं चली, और कहीं न कहीं ये इल्जाम अमजद खान के ऊपर आ रहा था कि इसकी वजह से ही शायद फिल्म नहीं पसंद की जा रही। पर जब फिल्म ने जोर पकड़ा तो हर तरफ गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह ही छा गया।
पर तब भी अमजद खान का दिल उदास था। उन्हें लग रहा था कि उनकी कमजोर आवाज की वजह से फिल्म शोले को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और एक मर्तबा ये शूटिंग के लिए जा रहे थे, बीच में एक छोटा सा कस्बा आया जहां पर ये उतरे चाय पीने के लिए, और वहां पर टेप रिकॉर्डर चल रहा था जिसमें फिल्म शोले के डायलॉग सुनाई दे रहे थे। वो तमाम डायलॉग्स गब्बर सिंह ने खुद बोले थे। अमजद खान इस बात पर हैरान थे कि वाह, इनकी कमजोर आवाज गांव-गांव तक पहुंच गई है और इस कमजोर आवाज के ताकतवर डायलॉग लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अमजद खान ने इतना सुना और ये रो पड़े। गब्बर सिंह का किरदार निभाने के बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा। कुछ बड़ी ही मुख्तलिफ फिल्मों में भी अमजद खान ने काम किया, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, इसमें इन्होंने वाजिद अली शाह का किरदार निभाया था। अवध के नवाब के किरदार में अमजद खान पूरी तरह से रच बस गए थे। उन्हें मालूम है कि अवध वाले लड़ना भी जानते हैं। कुछ बहुत ही पॉजिटिव किरदार निभाते भी ये नजर आए, जैसे कि फिल्म याराना और लावारिस में। फिल्म उत्सव के अंदर इनकी कॉमेडी ने कमाल किया था और कुर्बानी में ऐसा किरदार इन्होंने निभाया कि सब समझ गए कि भाई कॉमेडी में भी गब्बर सिंह का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप जैसी शक्ल कभी भूली जा सकती है? मेरी बीवी का भी यही ख्याल है। अमजद खान के निजी जीवन की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि सन 1972 में इनका निकाह शैला खान से हुआ, जिससे इन्हें 3 बच्चे हुए। शादाब खान जो फिल्मों में एक्टिंग करते रहे, बेटी आलाम खान और छोटा बेटा सिमाब खान। सन 1986 में अमजद खान का बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, एक ऐसा एक्सीडेंट जहां पर अमजद खान मौत के मुंह से बाहर आए थे। और इस दुर्घटना की वजह से अमजद खान साहब को ढेर सारी दवाइयां लेनी पड़ी और इनका वजन बेकाबू हो गया। बढ़ते वजन ने इनकी हालत खराब कर रखी थी और साथ ही इनके रोल्स भी जरा कम होते जा रहे थे। कौन है वो कमीना जिसने हमारी बेटी की शादी होने से पहले ही शेर सिंह को नाना बना दिया? अमजद खान साहब को चाय का भी बहुत शौक था, एक के बाद एक प्याला ये चाय पीते रहते थे। दुनिया में लोग चेन स्मोकर होते हैं, पर ये चेन टी ड्रिंकर बन गए थे। क्योंकि इनका वजन बढ़ता जा रहा था और तकलीफें भी बढ़ती जा रही थीं, इनका देहांत हो गया सन 1992 में, मात्र 51 साल की उम्र में। अरे वो चिड़ी का गुलाम, वो धोती बरसात, वो अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं हो सकता है, ये हुकुम के इक्के का मुकाबला कैसे करेगा। बहुत सारी ऐसी फिल्में रहीं जो इनके देहांत के बाद रिलीज हुई। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, अमजद खान साहब के परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दुख। उम्मीद ये की जा रही थी कि ऐसा अभिनेता और लंबा जिएगा और मुख्तलिफ किरदार निभाएगा, पर वक्त के आगे किसकी चली है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमजद खान साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। Oh,
रहे हैं सतरंगी सफर आरजे विनोद के साथ। श्रोताओं, घड़ी ने कर दिया है बहुत पहले से इशारा लेनी होगी। अब हमें आपसे विदा विदा लेते हुए मैं अगले प्रोग्राम के एहसास की दुनिया के प्रस्तुतकर्ता आरजे सैफ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रोग्राम को देर से संपन्न होने की मुझे अनुमति प्रदान करें और केवल दो सूचनाएं शेयर करने की अनुमति दें हमें हमारे सतरंगी सफर के श्रोताओं के साथ। अभी हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100, 500, 1000 के ऐसे नोट जारी करने का वादा किया है जिनके आकार इस प्रकार होंगे कि दृष्टि बाधित भी इस नोटों को पहचान सकेंगे। अभी हाल ही में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बॉम्बे में इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में लोहा मनवाया पूर्व नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के लीडर रहे एसके सिंह साहब ने। इस विषय में मैं अगले प्रोग्राम में आपसे बातचीत करूंगा विस्तार से। दीजिए हमें इजाजत। आरजे सैफ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप यूं ही अपना प्यार मोहब्बत हमारे साथ बरकरार रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।